हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? नो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले देखिए अबाउट मी, आपको मेरे बारे में पता ही है, ठीक है। उसके बाद ठीक है लाइव क्लास का स्केड्यूल आपका जो है मेरा आपके सामने है। इसके बाद अगर प्लस कोर्स की बात करें तो हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो ही रहा है और ये है उसकी फ़ीस का क्राइटेरिया। हमारे पास 6 मंथ एंड 12 मंथ एंड 24 मंथ का जो फीस है वो आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। और ये कोड आपको ध्यान देना है AM लाइव, अगर इस कोड का आप यूज़ करते हैं तो इस कोड के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप आपके कोई भी दोस्त यार, सगी सहेलियाँ, कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं अन अकेडमी पर प्लस कोर्स, तो प्लीज़ इस कोर्स को उन्हें रेफर कर दीजिएगा, इस कोड को उनको रेफर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और अपने सेशन की। और 24 मंथ का भी कोड हमारे पास है तो उस पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके सामने, थोड़ा सीरियस होकर आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8-member एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल एडवाइजरी काउंसिल टू एग्जामिन द एथिकल चैलेंजेस रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल एंड नन ऑफ दीज। तो क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए और आंसर करिए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और आंसर देना शुरू कर दीजिए। यहां बच्चे बोल रहे हैं IBM, पंकज बोल रहे हैं IBM, अवस्टन प्ले बोल रहे हैं IBM एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो गूगल की बात करें तो गूगल ने 8-member एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल एडवाइजरी काउंसिल बनाई। गूगल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। या सारे बच्चे IBM बोल रहे हैं बट द आंसर इज गूगल, तो गूगल इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What does the name of first Indian port operator to achieve a record in handling cargo movement of 200 million ton in 2018-19? आपको आज के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मार्च अप्रैल मतलब हर मंथ के मिलेंगे, मिक्स बैग है एक तरह का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो भारत का पहला पोर्ट जिसने 200 मिलियन टन कार्गो का मूवमेंट हैंडल किया इन 2018-19, आंसर क्या होगा? नमस्कार प्रवेश, नमस्कार सबको, नमस्कार। और जल्दी से आंसर करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है और इसका आंसर क्या होगा? अडानी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, अगर एग्जाम में आ गए तो क्या करोगे, गलत हो गया आंसर। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Yoshura Bangio, Jeffrey Hinton and Jan Lacan have been conferred with Turing Point 2018. Turing Award is referred as Nobel Prize of which field? काफी बड़ा अवार्ड है ट्यूरिंग अवार्ड, इसके रेसिपिएंट के नेम हमने आपको बता दिए हैं, ये नेम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2018 का प्राइस 2019 में दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए 18 का न्यूज नहीं है ये। आपको बताना है कि ट्यूरिंग प्राइज जो है वो उसे हम किस फील्ड का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, आंसर। और यहां पर अपने हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कंप्यूटिंग इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following organization became India's second largest government-owned financial firm after acquiring Rural Electrification Corporation Limited? तो पहले तो आपको यह समझना है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किसने एक्वायर किया, और एक्वायर करते ही इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल फर्म यह बन चुका है। आंसर दें फास्ट। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर आपको देना है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड इट्स डिजिटल पोर्टल tsmsme.globallinker.com फॉर एमएसएमई। तो इसमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल बनाया है? पोर्टल का नाम है tsmsme.globallinker.com। आंसर आपको देना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द आंसर गाइस? और आंसर क्या है? आंसर टीएस का मतलब ये तेलंगाना स्टेट की बात हो रही है, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which asset management company launched Bharat Consumption Scheme recently? Asset management company basically mutual fund companies होती हैं। तो किस कंपनी ने अभी भारत कंजम्पशन स्कीम लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ फरवरी, प्रज्ञा जी हाँ बिल्कुल, फरवरी से पढ़ लीजिएगा। एंड द राइट आंसर इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉन्ग विथ 6 अदर फर्म। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कौन सा एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर आपको देना है। बड़ौदा डिजी, बड़ौदा एग्री, बड़ौदा किसान, बड़ौदा शक्ति, नन ऑफ दीज। आंसर आने शुरू हो गया। एंड राइट आंसर इज बड़ौदा किसान। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द स्पेशली डिजाइन मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय अविवा लाइफ इंश्योरेंस टू एम्पावर द फीमेल वर्कफोर्स। टू एम्पावर द फीमेल वर्कफोर्स, अविवा लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। फीमेल वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए कौन सा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, यह आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर आ रहा है। एंड द राइट आंसर इज विंग्स। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन क्रेडिट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू इट्स कस्टमर अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी देन द कस्टमर बिकम्स। ये क्वेश्चन रिलेशन पे है, ये क्वेश्चन रिलेशन पे है। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ी है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, तो अगर आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है। तो अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखकर बैंक से लोन लिया तो इसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। लेकिन अगर आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखा और लोन लिया, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेज। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेज। मूवेबल, एग्जाम्पल गोल्ड। देखिए, तो अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है, कभी इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। और इंटरव्यू देने वाले को इंटरव्यूई। अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं इंटरव्यूअर हूं और आप इंटरव्यूई। तो प्लेज की बात करते हैं, प्लेज की बात करते हैं। लोन कौन ले रहा है? लोन कौन ले रहा है? लोन कस्टमर ले रहा है। और लोन कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेजर एंड प्लेजी। तो जो लोन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेजर। जो इंटरव्यू लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। तो जो लोन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेजर। कस्टमर इज प्लेजर। ऑप्शन में है जी हाँ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, प्लेजर। और बैंक क्या हो जाएगा? प्लेजी। बैंक क्या हो जाएगा? प्लेजी। क्लियर हुआ कि नहीं? प्रपेश, थैंक यू सो मच। जेवल किंग पूछ रहे हैं कि प्लेज और लियन में क्या डिफरेंस होता है? तो लियन में क्या होता है बेटा कि लियन में आप कोई सिक्योरिटी रखते हो तो उसका ऑनरशिप जो होता है ना, उसका लियन का, वो बैंक के पास होता है। और बेसिकली कुछ पेपर फॉर्म की सिक्योरिटीज, जैसे एफडी का सर्टिफिकेट, शेयर का सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, आपकी डिग्री, ये सब लियन में आती है। ये क्लियर हुआ? केवल अंकिता ने बोला है यस, सुरभि ने बोला यस, प्रियंका ने बोला यस, पंकज बोल रहे हैं यस। तो प्लेजर प्लेजी क्यों? प्लेस तो हो गया वो जो सिक्योरिटी है, देने वाले और लेने वाला जो मैंने आपको इंटरव्यू के एग्जाम्पल से बताया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन क्रेडिट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू अ कस्टमर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब मॉर्गेज हो गया। अब मॉर्गेज हो गया तो दो रिलेशन बनेंगे, एक मॉर्गेजी और एक मॉर्गेजर। क्या पूछा गया देखें जरा इसमें। देन बैंक बिकम्स, तो कस्टमर लोन ले रहा है, कस्टमर लोन ले रहा है और बैंक लोन दे रहा है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। दीपांकर, बैंकिंग अवेयरनेस में आप मान के चलें कि 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 से ऊपर ही आएंगे क्वेश्चन, और आप ये मान के चलेंगे इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो आएंगे वो आएंगे डिजिटल बैंकिंग से। अगर हम एब्रीविएशन को ऐड कर दें तो स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक से क्वेश्चन आएंगे, आपके मनी मार्केट से क्वेश्चन आएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएंगे, कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आएंगे, रिस्क से क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे। आप देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बच्चे बोल रहे हैं मॉर्टगेजी, तो मॉर्टगेजी का सही आंसर है? जी हाँ बिल्कुल, अगर कस्टमर पूछता तो ये आंसर हो जाता है ना, और बैंक पूछा तो ये आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जितने भी स्मॉल बैंक हैं, पेमेंट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इवन फॉरेन के बैंक हैं, आपको इन सबके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। आई थिंक हेडक्वार्टर आपको पूरे अच्छे से लर्न हो गए होंगे। टैगलाइन भी एग्जाम में आ सकती है। प्रपेश, लियन का मतलब होता है बेटा कि आपने बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखी है जो पेपर फॉर्म की है। पेपर फॉर्म का मतलब जैसे एफडी का सर्टिफिकेट, शेयर का सर्टिफिकेट, रिजल्ट, मार्कशीट। इंश्योरेंस मत बोलना, जब हम इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट बैंक के पास रख के लोन लेते हैं उसे हम असाइनमेंट बोलते हैं, उसे हम असाइनमेंट बोलते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर थ्रिशूर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, थ्रिशूर केरला इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। राजीव गांधी मैंने आपसे पूछा है, संजय गांधी कहां पे बता देना मुझे। संजय गांधी नेशनल पार्क, आपको संजय गांधी भी बताना है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे है और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहां पे है, दोनों क्वेश्चन के आंसर। स्वाति वेरी गुड। तो अगर हम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहां पे है? दीपांकर थैंक यू सो मच बेटा। एंड राइट आंसर इज आसाम। संजय गांधी का तो है मुझे, संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे? महाराष्ट्र। वेरी गुड। कौन है ये? निकिता गुप्ता, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कल का सेशन आप लोगों ने अगर नहीं देखा है देख लीजिएगा, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की कुछ बात की थी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताइए आंसर क्या होगा इसका। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। अक्सर मैंने अपने करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया है। स्टेट आपसे पूछा गया है, अगर आपको सिटी पता है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हरीश चौधरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अंकिता पॉल थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश लखनऊ, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइन उल हक स्टेडियम। स्टेडियम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेसिकली अगर नेशनल लेवल के स्टेडियम पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप आंसर दे लोगे। इंटरनेशनल स्टेडियम भी जो पूछे जाते हैं तो बेटा वो भी पूछे जाते हैं क्रिकेट के पे, क्रिकेट पर। हाँ, अगर कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो या ओलंपिक होने वाला हो तो कोई दूसरे स्पोर्ट्स का स्टेडियम पूछा जा सकता है, अदरवाइज क्रिकेट का स्टेडियम पूछा जाता है हमेशा फिलहाल। और इसका आंसर क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। वेरी गुड, बिहार इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो। कोसोवो की कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है। यानी स्टैटिक पर हमने कुछ फोकस किया है, लास्ट टाइम बच्चों ने कुछ कमेंट किया था कि थोड़ा स्टैटिक भी पोर्शन का रिवीजन जरूरी होना है। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटल ऑफ कोसोवो। और यहां पे स्वाति बोल रही है मासेरू। मासेरू क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। पंकज पंत बोल रहे हैं प्रिस्टिना। मीनू यादव वेरी गुड, एंड द राइट आंसर इज प्रिस्टिना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कैपिटल करेंसी सुधार लीजिए आप लोग, एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Find the name of African country which was opted by India to set up India Africa Institute of Agriculture and Rural Development Center. ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है. सुधांशु रंजन, अभी आप किसी और चैनल पे थे कुछ देर पहले और अभी आप इस चैनल पे आ गए हैं, बढ़िया है, वेरी गुड. मैं कमेंट देख रहा था आपके. और इसका आंसर क्या होगा? मलावी. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. मलावी इज राइट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the person who was honored with the prestigious John D. Canada Granger Global Health Award. तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. मालावी की हरीश बता रहे हैं कि मलेरिया वैक्सीन 2. ठीक है, कैपिटल करेंसी भी बाय डिफॉल्ट आपको बता देना चाहिए, ये याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं. उम्मी आरआरबी पीओ के लिए करंट अफेयर्स बेटा जैसे आप पहले से करते आ रहे हो वैसे ही करो, 6 मंथ बिफोर पढ़ना है आपको. प्रपेश थैंक यू सो मच बेटा. एंड द राइट आंसर इज विक्रम पटेल. ऑप्शन नंबर 1 विक्रम पटेल इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द राइटर? गांधी द राइटर बुक के ऑथर कौन है, यह आपसे पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं. जल्दी से आंसर दे अगर आता हो तो. और इसका आंसर क्या है? बभानी भट्टाचार्य. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. शायद सुरभि ने आंसर दे दिया इसका. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेम द इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द मोबाइल पेमेंट कंपनी Which received SEBI approval for stock broking recently. तो आपसे पूछा गया है मोबाइल पेमेंट, मतलब जैसे इस एप्लीकेशन से हम मोबाइल पेमेंट करते थे और अभी सेबी ने इसको स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस दे दिया है, मतलब अब ये शेयर मार्केट में डील करेगा, म्यूचुअल फंड में डील करेगा. इस कंपनी का नाम क्या है? आंसर आना शुरू हो गया है. एंड द राइट आंसर इज पेटीएम मनी. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. पेटीएम मनी इज राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच बैंक हैज रिसीव अ कैपिटल ऑफ रुपीज 205 करोड़ बाई द गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? तो भारत सरकार ने इस बैंक को 205 करोड़ रुपए दिए हैं शेयर बेचकर अपने. तो ये बैंक कौन सा, ये आपसे पूछा गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक. 4 ऑप्शन आपके पास है. आंसर क्या होगा इसका? अभी आंसर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं. और इसका आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गारंटी इंश्योरेंस कवरिंग नॉट ऑल द डेप्ट of the borrower but a specific loan or other financial transaction is known as. ये फाइनेंस का एक क्वेश्चन है, फिर से देख लो. अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गारंटी इंश्योरेंस, मतलब कि जैसे इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, ठीक, उसने अगर ये इंश्योरेंस आंसर आपको देना ले लिया तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये बिजनेसमैन बहुत सारी जगहों से उधार लिया है, तो उसके सारे उधार तो नहीं लेकिन कुछ उधार इससे कवर हो जाएंगे, कुछ उधार इससे कवर हो जाएंगे. मतलब कि अगर कल को इस पर्सन को फाइनेंशियली लॉस होता है तो इस इंश्योरेंस से उसके 2-3 उधारी तो कवर हो जाएंगे, सारे नहीं कुछ. तो ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्रेडिट रैप होता है. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन है. मैं आपसे बोल रहा हूं कि देख लेना आपके एसबीआई क्लर्क में कम से कम 10 में से 10 क्वेश्चन आएंगे अच्छे से, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन पे आपको हवा नहीं लगेगी, देख लेना आप. क्रेडिट रैप आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन था, मैंने दे दिया सही. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 23rd क्वेश्चन, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन. धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में है? कोई बात नहीं है मीनू जी, कोई बात नहीं है, बस आप याद रखें नाम कि कुछ उधार को कवर करता है ये इंश्योरेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट रैप बोलते हैं। ठीक है, नई चीज मिलती है खुश हुआ करो, इसमें इसमें मुंह बनाने वाली बात नहीं है जी। चलिए आंसर दें। धौलाधर की हम बात कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं एचपी मतलब कि हिमाचल प्रदेश, क्या ये सही आंसर है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुरुंडी? बुरुंडी की कैपिटल क्या है, ये आपसे पूछा गया। 24 क्वेश्चन हमारे सामने। एंड द राइट आंसर, देखते हैं कौन इसका पहला आंसर देता है। वेरी गुड पंकज पंत, बहुत अच्छे। और अंकिता पॉल का पहला आंसर आया है एंड द राइट आंसर इज बुजुम्बुरा, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। ठीक है, स्वाति सुमन दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, पंकज पंत ने शायद गलत आंसर दिया है क्या, नहीं कुछ और दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What was the theme of the World Tuberculosis Day 2019? World Tuberculosis Day 24 मार्च को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, इसकी थीम क्या थी ये आपसे पूछी गई है। मार्च से भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग मार्च में थोड़ा वीक पढ़ रहे हैं, मैं मार्च से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे एग्जाम में। प्रपेश कोई बात नहीं है, एग्जाम में टेंशन तो होती ही है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। इस टेंशन को पॉजिटिवली ओवरकम जो कर पाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। And the right answer is it's time, option number 2 is right answer. Very good, fantastic. Next question की बात करते हैं। 26 question. What is the rank of India in the Energy Transition Index 2019 released by World Economic Forum? तो Energy Transition Index में इंडिया की रैंक कितनी है जो कि World Economic Forum ने लॉन्च किया था, ये आपसे पूछा गया है। मतलब रिपोर्ट और इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो रिपोर्ट और इंडेक्स से क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, अपना टाइम आएगा। जी हाँ अमरेश, बिल्कुल। And the right answer is 76th, option number 2 is right answer. 76th is right answer. ठीक है, चलिए next question की बात करते हैं। Which city become the world first city to install wireless induction based charging station? तो ये question मैं पहले भी करा चुका हूं, मतलब पहले का मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पर। क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। बुरुंडी की कैपिटल गिटका है, चेंज हो गई है क्या, देख लेना आप लोग, देख लेना आप लोग। ठीक है, उसमें तो ऑप्शन में ही नहीं था। एंड राइट आंसर इज ओस्लो नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 2 ओस्लो नॉर्वे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है ठीक है, प्रियंका ने बोल दिया हाँ गिटका है। ठीक है पल्लवी, एक बार नेट पे चेक कर लेना आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 28, Who was conferred with Global Teacher Prize 2019? Global Teacher Prize 2019 का आंसर क्या होगा? सुरभि बोल रही यस सर चेंज हो गई है। अच्छा, थैंक यू सो मच बताने के लिए मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है, आंसर आपको देना है। व्हाट इज द आंसर? ठीक है स्वाति, ठीक है समझ गया बेटा समझ गया। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर आने शुरू हो गए हैं। हरीश बोल रहे हैं पीटर, पीटर ताबेची, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हैज टाइड अप विद द यूएस बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईबे टू मैनेज पेमेंट ऑप्शन? मैनेज पेमेंट ऑप्शन किस पेमेंट सिस्टम ने ईबे के साथ एग्रीमेंट किया, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम केन्या। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं, आंसर दीजिए। गूगल पे, गूगल पे क्या सही आंसर है? जी हां सही आंसर है, गूगल पे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट वाज इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ रुपीज 2 करोड़ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी डायरेक्शन रिगार्डिंग स्विफ्ट ऑपरेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऊपर 2 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है स्विफ्ट गाइडलाइंस को न मानने के लिए? स्विफ्ट गाइडलाइंस को न मानने के लिए, याद करिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, आंसर And the right answer is PNB. Option number 3 is the right answer. Okay, next question. Question number 31. Which financial services company along with Goldman Sachs partnered with Apple to launch new credit card terms Apple Card? यानी कि Apple कंपनी तो है ही, Goldman Sachs भी है और एक कंपनी और है, ये तीनों मिलकर Apple कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड होगा। तो तीसरी कंपनी कौन सी, ये आपको पता नहीं। तीसरी कंपनी कौन सी है ये आपको पता नहीं है। 31 क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। एंड राइट आंसर इज मास्टरकार्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मास्टरकार्ड इज राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। जून 14 ऑब्जर्व एस, 14 जून किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। व्हाट इज द आंसर? सुधांशु रंजन स्विफ्ट के बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है सुधांशु रंजन, एक बार सेशन कंप्लीट हो जाए फिर बता देंगे बेटा उसके बारे में। आंसर आ रहा है। एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेलीज? आंसर फोर्टीन जून ब्लड डोनर डे, मालूम चल गया। मीनू यादव बोल रहे हैं कि थीम है सेफ ब्लड फॉर ऑल। और अब स्वाति बोल रही है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बेलमोपन। और देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। हरीश आप कंफर्म नहीं हो, मनोज भी पांचों ऑप्शन ही बोल रहे हैं। एंड राइट आंसर इज बेलमोपन। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, जहां पे बटन लग जाए, मरीन लग जाए, वो सब कहां पर होंगे, मैं ये पढ़ाया हूं। एंड राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। श्री पेनुसिला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर क्वेश्चन है। कर्नाटका, नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। एंड राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ट्रिक पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा इसमें और नहीं घुसता। चलिए आंसर दीजिए। एंड राइट आंसर इज अमृतसर। अमृतसर पंजाब। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन और क्रेडिट विथ अ लो इंटरेस्ट रेट और द सेटिंग ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स बाय अ सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री इज नोन एज। तो जो पैसा कम रेट पर लोन मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मैं ये पढ़ा चुका हूं। अगर ज्यादा, अगर हाई इंटरेस्ट पर मिले तो उसे हम बोलते हैं टाइट मनी। TIGST, टाइट मनी। कम रेट पर मिले इसे हम क्या बोलते हैं? आंसर दीजिए। स्वाति का आंसर आ गया, सही आया आंसर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चीप मनी। तो चीप मनी का मतलब जो पैसा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले। सॉफ्ट करेंसी का मतलब वो करेंसी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होती है। हार्ड करेंसी वो मनी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। हॉट मनी वो मनी जिसके नेचर में क्विक माइग्रेशन होता है, जो कहीं पे टिक के नहीं रहते हैं। ये सब टाइप्स ऑफ मनी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वेयर डिड द वेस्टर्न रेलवे ओपन द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी? जुलाई का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं हालांकि से। सॉफ्ट करेंसी का मतलब वो करेंसी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं होती, जैसे डॉलर है, डॉलर हार्ड करेंसी है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है ना, लेकिन रुपीस की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, सॉफ्ट करेंसी। चलिए आंसर इज महालक्ष्मी इन मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्कीम अप्रूव्ड फॉर इंटर स्टेट ट्रेवल फॉर बस ऑपरेशन विच विल इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू बाय 3 to 4%। तो अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है। इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ? इंटर स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से एमपी गए, आपकी जो बस है वो इंटर स्टेट जाती है, तो एक स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम क्या है वो आपको बताना है। देखिए इसका ये मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे जैसे आप स्टेट टू स्टेट जाते हैं तो एक तरह का टैक्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। अभी वो चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। ऑनलाइन होने से कोई मतलब चोरी नहीं हो पाएगी और हर स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसे हम नेशनल परमिट स्कीम बोल रहे हैं। नेशनल परमिट स्कीम, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railways has signed MOU with which organization for modernization of signaling system? तो भारतीय रेलवे ने अपना जो सिग्नल है उसको मॉडर्न करने के लिए इसमें से किसके साथ एक एमओयू साइन किया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? नॉट इसरो। इसका आंसर होगा रेल टेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रेल टेल और इंडियन रेलवे के बीच में, रेल टेल इंडियन रेलवे की एक सब्सिडी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which telecom operator completed merger of the consumer mobile business of Tata Teleservices with which company? तो टाटा टेली सर्विसेज ने अपना बिजनेस इसमें से किस कंपनी के साथ मर्ज कर दिया, ये आपसे पूछा गया। नहीं मनीष, मेरा मूड ऑफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, चलिए आंसर दीजिए यहां पर, क्या इसका आंसर हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात कर रहे हैं एंड राइट आंसर इज भारतीय एयरटेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी लेड? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसका फाउंडेशन स्टोन किस शहर में रखा गया? लखनऊ, मुंबई, पटना, गोरखपुर, जयपुर। आंसर। एंड राइट आंसर इज पटना, इन पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, द 19th कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? 19वीं कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ नेशंस का भी हेडक्वार्टर वैसे लंदन इंग्लैंड में ही है, ठीक। तो 19वीं कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पर हुई, किस शहर में हुई, ये आपसे पूछा गया है। जी दीपांकर जंगीत, बिल्कुल सही, आपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें दी है। क्वेश्चन नंबर 43 एंड राइट आंसर इज लंदन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लंदन इज राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ओवरसीज इंडियन अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ओवरसीज इंडियन अफेयर्स सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर 5 ऑप्शन है, आंसर दीजिए। जी दीपांकर, बोरिस जॉनसन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बिल्कुल सही। एंड राइट आंसर इज विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विकास स्वरूप इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन? ISSF का हेडक्वार्टर किस जगह पे है? न्यूयॉर्क, वियना, म्यूनिक, रोम, लंदन। स्टैटिक क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहां पर। आंसर दे फास्ट एंड राइट आंसर इज म्यूनिक, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, In which city the world's largest burn and plastic surgery institute was inaugurated? तो इसमें से किस जगह पे विश्व का सबसे बड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है? न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, ढाका, चेन्नई, कोलंबो। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस के हैं। स्वाति बोल रही है ढाका, धवल बोल रहे हैं ढाका, ढाका सारे बच्चे बोल रहे हैं। एंड द राइट आंसर इज ढाका, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ, म्यूनिक जर्मनी में है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन, हु हैज बैक्ड द रेड इंक अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय रेड इंक किसने जीता, ये आपसे पूछा गया। रेड इंक अवार्ड बेसिकली आधार का जो मिसयूज हो रहा था नंबर का, उसे इन्होंने एक्सप्लोर कर दिया था। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग हैं। और आंसर आना शुरू हो गया है। रचना खैरा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो रचना खैरा इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर द बेसल थर्ड इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, मिनिमम टीयर वन कैपिटल मस्ट बी व्हाट परसेंट ऑफ रिस्क वेटेड असेट ऑन गोइंग प्रोसेस? तो बेसल थर्ड नॉर्म में टीयर वन कैपिटल को कितना परसेंट रखने की बात हुई है, आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग इसका आंसर दे दोगे। पंकज पंत बता रहे हैं 9 डॉट प्राइज एनी जैदी ने जीता है। बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 48। देखिए, देख लीजिए क्या इसका मतलब होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो बेसल थर्ड नॉर्म के हिसाब से क्या बोला गया है कि बैंकों को अपनी कोर कैपिटल, बैंकों को अपनी कोर कैपिटल जो है वो कितनी रखनी है? कोर कैपिटल रखनी है 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। ठीक। टीयर वन कैपिटल कितनी रखनी है? तो टीयर वन कैपिटल जो रखनी है वो कितनी रखनी है? टीयर वन कैपिटल शुड बी 7%, शुड बी 7%। ठीक है। टीयर टू कैपिटल कितनी रखनी है? टीयर टू कैपिटल रखनी है 2%। ठीक। टोटल टीयर वन प्लस टीयर टू को हम टोटल बोलते हैं। टोटल कितनी रखनी है? टोटल कैपिटल रखनी है इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 9 कैसे होगा? क्योंकि टोटल का मतलब टीयर वन प्लस टीयर टू होता है। ठीक है। 9% हो गया। और साथ ही साथ कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना रखना है? तो ये 2.5% रखना है। ठीक। तो कोर कैपिटल शुड बी 5.5%, टीयर वन कैपिटल शुड बी 7%, टीयर टू कैपिटल शुड बी 2%, टोटल कैपिटल शुड बी 9%, एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर शुड बी 2.5%। ठीक है। प्रपेश, exactly में according to Basel, bank should maintain 8%, but according to RBI, Indian bank should maintain 9%. तो Basel के हिसाब से 8% है, RBI के हिसाब से 9% है। ठीक। जी हाँ, अगर आपसे टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूछेगा, वो कितना रखना है, तो वो आपको 11.5% बताना है। और ये 11.5% कैसे होगा? तो देख लीजिए, टीयर वन कैपिटल 7%, टीयर टू कैपिटल 2%, एंड 2% एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना हो गया? 2.5%। इसे आप ऐड कर देंगे तो आपका 11.5% आ जाएगा। ठीक है। धवल 2020 में ये इंप्लीमेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आंसर इज 7% टीयर वन कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। विच फिल्म हैज वॉन द आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड एट द शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये एक तरह की मलयालम मूवी है। जी हाँ सोनम, आपसे टीयर वन पूछा गया था केवल, तो टीयर वन कैपिटल शुड बी 7%। विजय, रिस्क वेटेड असेट समझाने के लिए मुझे कम से कम हाफ एन आवर चाहिए बेटा, कम से कम हाफ एन आवर चाहिए। ये इसका आंसर क्या होगा? वेल मेरंगल, ऑप्शन नंबर ए। एक मलयालम मूवी है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द टर्म कॉल्ड, देखो ये आईबीपीएस पीओ 17 में पूछा गया था, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ओनली अ फ्यू सेलर्स ऑफर सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। अभी आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एसबीआई पीओ में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया और आईडीबीआई में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं ये आपको पूरा पढ़ा देता हूं अभी कि ये मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली ये क्या होता है। फिलहाल आप मुझे आंसर दें इस क्वेश्चन का। स्वाति बोल रही है ओलिगोपोली। तो ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ओनली अ फ्यू सेलर ऑफर सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अब सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुनो, ध्यान से पढ़ लो, जिस तरह मैं पढ़ा दूंगा कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ध्यान से देखना। हालांकि है कुछ नहीं, बेसिक चीजें हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होने लगती है, तो कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना होता है, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है तो आप जानते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिंगल सेलर हो, मतलब कि एक ही विक्रेता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और के पास चले जाएं। जैसे अगर इंडियन रेलवे की बात करें, भारतीय रेलवे की बात करें, तो इंडियन रेलवे केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। मतलब अगर कल को भारत सरकार ने बोल दिया कि हम इंडियन रेलवे के फेयर चार्जेस 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके देश में ना टाटा के रेलवे चलते हैं, ना रिलायंस के, ना किसी और के। अगर भारत सरकार ने 20% फेयर बढ़ा दिया तो आप बहुत करोगे, तो केवल रेलवे मिनिस्टर का पुतला फूंक सकते हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मोनोपोली का मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर केवल सिंगल सेलर हो, ठीक है, सिंगल सेलर, मोनोपोली, क्लियर, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, सुन लो बहुत ध्यान से, ओलिगोपोली का मतलब होता है जहां पर फ्यू सेलर होते हो। फ्यू सेलर का मतलब, यहां पर क्या था, यहां पर सिंगल सेलर था, यहां पे फ्यू का मतलब दो या तीन, लेकिन ये इतने बड़े, आपने सुना नहीं है चोर चोर मौसेरे भाई, ये इतने बड़े वो होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं कि ये फ्यू सेलर होते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि यार देखो हमें 3-4 लोग हैं तो हम आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करें। ये सेम मतलब सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनके प्रोडक्ट आपस में सिमिलर होते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पेप्सी एंड कोक। आप देख लें, अगर आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में केवल 2 ही कंपनी आपको मिलेंगी, एक पेप्सिको और एक कोक। इन्होंने किस तरह से मार्केट में अपना कब्जा किया, देखो पेप्सी पीते हो आप, पेप्सिको का, थम्स अप कोक का, देखो ध्यान से, स्प्राइट 7 अप, माजा तो स्लाइस, और इनके प्राइसेस बराबर होते हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट भी बराबर होंगे, प्राइसेस भी बराबर होंगे, मतलब कहा गया है चोर चोर मौसेरी भाई। तो ओलिगोपोली का मतलब होता है कि कुछ सेलर्स हैं, कोक अलग कंपनी है, पेप्सिको अलग कंपनी है, तो कुछ सेलर, लेकिन ये एकदम सिमिलर बनाते हैं प्रोडक्ट कि कस्टमर हमेशा कंफ्यूज ही रहे, वो कभी स्प्राइट पिएगा, कभी 7 अप पिएगा, या कहीं माजा पिएगा, कभी स्लाइस पिएगा, दोनों कंपनी के सारे प्रोडक्ट, ठीक है। रुक जाओ प्रपेश, रुक जाओ, ठीक है, मोनोपोली, ओलिगोपोली। तीसरा क्या होता है, थर्ड होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक, अब ये मोनोपोलिस्टिक क्या होता है तो इसके बारे में हम बात कर लें आपसे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, जहां पर लार्ज सेलर हो। मोनोपोली में क्या था, मोनोपोली में सिंगल सेलर था, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर थे, लेकिन ये सब आपस में सिमिलर प्रोडक्ट बनाते थे। यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और इनके प्रोडक्ट में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, इनके प्रोडक्ट में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। यार जहां पर भी 4 बर्तन होंगे ना, वहां पे टकराने की आवाज जरूर आएगी। मोनोपोलिस्टिक का मतलब कि कस्टमर के पास ढेर सारे ऑप्शन है। आप फोन की बात कर लें, एप्पल आपके पास है, सैमसंग आपके पास है, ओप्पो, वीवो, रेडमी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आ चुकी हैं। तो क्या एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सैमसंग से मैच करते हैं? नहीं, इनके प्रोडक्ट आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन होता है और लॉट ऑफ सेलर्स होते हैं। मोनोपोली सिंगल सेलर जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, ओलिगोपोली कुछ सेलर है लेकिन इन्होंने कंपटीशन ही खत्म कर दिया, ये लोग आपस में सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और इनके प्रोडक्ट आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। क्लियर, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया भी है। आपके अभी आईडीबीआई पूछा गया है, एसबीआई पीओ में मैंने एक साइट पर देखा था कि शायद पूछा गया था और अभी क्लर्क भी है तो इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंगल सेलर मार्केट को हम क्या बोलते हैं, तो सिंगल सेलर मार्केट को हम बोलते हैं क्या, आपका मोनोपोली। एक ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो और इनके प्रोडक्ट आपस में आइडेंटिकल ना हो, सिमिलर ना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, मोनोपोली। एक ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू सेलर हो और जिनके बीच में आपस में प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं तो क्या हो गया, ओलिगोपोली। तो ये तीन तो हो गए जो आपने पढ़े, एक चौथा भी है, और वो चौथा कौन सा, अभी रुक जाओ जी, क्लियर नहीं पढ़ा नहीं है, खाली क्लियर पढ़ लो बेटा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चौथा देख लो, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, यहां भी है मोनोपोलिस्टिक में, लेकिन बेटा जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। देखिए एग्जैक्टली में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कोई मार्केट नहीं है, ना हो सकता है, ये एक मिथ है। क्यों मिथ है, क्योंकि आप मुझे बताओ आपने कोई ऐसा मार्केट देखा है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो लेकिन इनके प्रोडक्ट में आपस में कोई कंपटीशन ना हो। कंपटीशन का मतलब प्राइस से भी है, सेम प्राइस सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी कहां हो सकती है यार, कहां हो सकती है। तो अगर आप सब्जी मार्केट की बात करें तो सब्जी मार्केट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आप किसी सब्जी मार्केट में जाते हैं तो आलू 10 रुपए किलो मिल रहा है शुरुआत में, तो लास्ट में भी 10 रुपए किलो ही मिलेगा, और आलू तो आलू है, ना टाटा का आलू है ना रिलायंस का आलू है ना, वो एक गरीब किसान का आलू है। लेकिन शाम होते होते क्या होता है बेटा, लोग बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं और आलू के भी प्राइसेस ऊपर नीचे होने लगते हैं, आगे मिल रहा है 10 रुपए किलो, पीछे मिलेगा 5 रुपए किलो, ऐसा होता है। तो ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली आपको पढ़ना होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस मार्केट का नाम बताइए जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो बट उनके बीच के जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर हो, लार्ज सेलर और सिमिलर, तो परफेक्ट। लार्ज सेलर बट डिफरेंट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका मोनोपोलिस्टिक। फ्यू सेलर, ओलिगोपोली, सिंगल सेलर, मोनोपोली। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। सुमित बोल रहा है कि जलेबी, जलेबी मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट होता है क्या, कि मार 1 किलोमीटर जलेबी बिक रहा है, कोई मार्केट देखे हो जी ऐसा। मार्केट का मतलब थोड़ा बड़ा मार्केट, अब छोटा मोटा थोड़ी ना कि बोलो सर हमारे चौराहे पर होता है ना, हमारे चौराहे पर मोमोज वाले हैं, 2 मोमोज वाले हैं, दोनों बेचते हैं 20 रुपए प्लेट, वो बात मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मतलब बड़ा मार्केट की बात करो जी। क्लियर। सुधांशु, लड़ाई हमेशा होती है सब्जी मार्केट में, हमेशा मारपीट होता रहता है हमारे यहाँ है ना सब्जी मार्केट, मुंगेरी बाजार, कब तक छिपे रहोगे पर्दे की आड़ में, कभी ना कभी निकलोगे मुंगेरी बाजार में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। What is the term called for a market structure in which only a few seller? अच्छा आंसर है ओलिगोपोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state to host 32nd edition of the International Seed Testing Association Congress? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। शुभजीत थैंक यू सो मच। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तेलंगाना, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेस्ट रेट ऑन द जनरल प्रोविडेंट फंड हैज बीन कट डाउन टू हाउ मच परसेंट विथ अफेक्ट टू जुलाई 2019। ये जीपीएफ की बात हो रही है ना पीपीएफ की। जीपीएफ में कितना इंटरेस्ट हो गया ये आपसे पूछा गया है। ये भी 10 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7.9%। पहले कितना था 8%, अभी कितना हो गया 7.9% ही हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जापान्स वुमेन वॉन द उबर कप, यानी उबर कप कहां हुआ था, उबर कप बैंकॉक में हुआ था, जापान ने जीत लिया। जापान ने इसमें से कौन सी टीम को हराकर फाइनल जीता, यह आपसे पूछा गया है। जापान उबर कप। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, थाईलैंड इज राइट आंसर। कितने क्वेश्चन में देखते हैं अभी इसमें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज द बुक स्ट्रेट टॉक. बुक का नाम स्ट्रेट टॉक विच हैज बीन ऑथर्ड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो स्ट्रेट टॉक नाम की बुक का विमोचन हमारे देश के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने किया. तो ये बुक जो है पूछा रहा है कि ये बुक किसने लिखी है. आंसर देना है आपको. इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 54 की बात कर रहे हैं. And the right answer is अभिषेक मनु सिंघवी. ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत बड़े वकील हैं हमारे देश के. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक साइंड अ स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस टाई अप विथ मैक्स बूपा. तो मैक्स बूपा और इस बैंक के बीच में एक बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट हुआ है. मतलब ये बैंक मैक्स बूपा की पॉलिसी अपने ब्रांच से सेल करेगा. वो बैंक कौन सा है ये आपसे पूछा गया. अभिषेक मनु सिंघवी जी हां कांग्रेस के लीडर हैं. इसका आंसर क्या होगा? आईडीबीआई बैंक. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. आईडीबीआई बैंक इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी टू रोल आउट टेक बी प्रोग्राम टू हायर स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड. तो टेक बी प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया था ये आपसे पूछा गया है. इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए. And the right answer is HCL Technologies. Option number C, HCL is right answer. Not Infosys, it's HCL. Next question. According to a report by Mary Meeker, India account for how much % of world internet user. तो मैरी मीकर के हिसाब से भारत में पूरे वर्ल्ड के कितने % इंटरनेट यूजर्स हैं? 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर दीजिए. And the right answer is 12%. Option number C is right answer. 12% is right answer. Next question. As per ICRA rating agency है, India's current account deficit is expected to remain at what % of GDP in the first quarter of the current fiscal year 2019-20? तो ICRA के हिसाब से अप्रैल मई जून पहले क्वार्टर में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रहेगा ये आपसे पूछा गया. अकॉर्डिंग टू ICRA पूछा गया. ICRA का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया है आपसे. इसका आंसर क्या होगा? 2.3%. अकॉर्डिंग टू ICRA मैंने बोला, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, 2.3%. ध्यान दीजिएगा. 2.1% आप लोग दूसरा चीज बता रहे हैं. मैं ICRA का पूछ रहा था आपसे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the headquarter of ICRA? ICRA का हेडक्वार्टर किस जगह पे ये आपसे पूछा गया. ठीक. इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been conferred with Innovative Research Excellence Award 2019 at Asian Leadership Summit 2019? Innovative Research Excellence Award 2019 किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात कर रहे हैं. क्या इसका आंसर होगा? And the right answer is Gaurav Nigam. Option number B is right answer. Gaurav Nigam is right answer. Next question. Question number 61. According to report Global Prime Office Occupancy Cost Survey, which country market topped the list in world most expensive market from prime office rent? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महंगा प्लेस कहां पर है ऑफिस ओपन करने के लिए? वैसे सबसे महंगा प्लेस कौन सा है? तो वो हांगकांग है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हांगकांग इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट द कंट्री फर्स्ट गार्बेज कैफे हैज बीन लॉन्च. गार्बेज कैफे कहां पर लॉन्च किया गया ये आपसे पूछा गया है. असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात. और इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, अंबिकापुर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल फॉर देखते हैं टाइम क्या होगा. टाइम पहले होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं.